हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्काई ब्लू कलर करेंगे और इसके बाद हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे। मैंने पानी के लिए कुछ जगह छोड़ी हुई है और बाकी पूरे को मैंने लाइट ग्रीन कलर से फिलअप कर लिया है। पानी को दिखाने के लिए हम स्काई ब्लू कलर का यूज़ करेंगे और इसमें हम पानी को ज़्यादा रखेंगे। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम ब्लू और लाइट ग्रीन का यूज़ इसमें किनारों पर लाइनिंग के लिए करेंगे और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम वाइट कलर का यूज़ भी इसमें लाइनिंग के लिए ही करेंगे। तो जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। क्लाउड्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर ओल्ड फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसमें शेडिंग देने के लिए राउंड ब्रश का यूज़ करेंगे। ग्रास को दिखाने के लिए हम यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे और फिर इसके ऊपर हम लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं स्टेंसिल ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद अब हम येलो कलर का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि ग्रास की वजह से हमारी पेंटिंग ख़राब हो रखी है, वहाँ पर हम दोबारा से कलर कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ग्रास बना रही हूँ और इसके लिए मैं कॉम्ब ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी राउंड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ी ग्रास बनाने के लिए मैं राउंड ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। ट्री बनाने के लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी मैं राउंड ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। अब हम ट्री के एक साइड अंधेरा दिखाने के लिए ब्लैक कलर को यूज़ करेंगे और दूसरी साइड हम इस पर रोशनी दिखाने के लिए ब्राउन कलर में वाइट कलर को मिक्स करके करेंगे। ट्री का निचला हिस्सा कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पर ग्रास को बना दिया और पेड़ पर जो हमने एक साइड रोशनी दिखाई थी उसके किनारों पर हम वाइट कलर कर लेंगे और कुछ शेडिंग दे देंगे। इसके बाद हम ग्रास बनाएंगे और ग्रास के कंप्लीट होने के बाद हम फ्लावर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम फ्लावर्स के बीच में येलो कलर करेंगे और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम पेड़ों को पिंक और वाइट कलर से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम टेप को रिमूव करेंगे और हमारी पेंटिंग कंप्लीट है। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।